दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम सीरीज के इस दूसरे वनडे मैच को भी जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच को तो जीत लिया है, लेकिन अब भी दूसरे वनडे मैच के लिए प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव होने हैं। जी हां, और केएल राहुल इस बार किसे टीम से बाहर करेंगे और किसे जगह भी देंगे, कैसी नजर आएगी भारत की फाइनल प्लेइंग 11 सीरीज के सेकेंड ओडीआई मैच में, आपको भारतीय क्रिकेट टीम की इस प्लेइंग 11 का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं और एक एक खिलाड़ी का भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी को दूसरा वनडे मैच खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा चल रहा है। इस दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज वर्ल्ड कप से पहले होनी है और वर्ल्ड कप के बाद होगी 5 मैचों की एक बेहद ही बड़ी व रोमांचक टी20 सीरीज और वहां से फिर टी20 का दौर चल पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बात वनडे की होगी क्योंकि वर्ल्ड कप जो सर पर खड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला गया जहां 5 विकेट से जीत गए। अब दूसरा मुकाबला 24 तारीख यानी कि रविवार के दिन होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है इंदौर में, और तीसरा मुकाबला 27 तारीख को राजकोट में होगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम के मैदान में। दोस्तों पहले मुकाबले को तो हमने जीत लिया है, लेकिन अब बारी दूसरे मैच को जीतने की है। वैसे अगर होल्कर स्टेडियम की बात की जाए ना, तो यहाँ पर भारत का दबदबा कितना ज्यादा है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 6 मैचेस खेले गए हैं और अब तक होम साइड वाली टीम यानी कि भारतीय टीम ने यहाँ पर आधे से ज्यादा मैचेस जीते हैं। मतलब कि दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का विनिंग परसेंटेज किसी भी टीम से बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट यहाँ पर हमने 2011 में 418 रन जड़े थे, जिसमें सहवाग के डबल सेंचुरी भी इन्वॉल्व थी। हालांकि दोस्तों अगर हाईएस्ट चेज की बात की जाए ना, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के अगेंस्ट 294 का स्कोर चेज किया था। कुल मिलाकर छोटा मैदान है तो हाई स्कोरिंग मुकाबला तो रहेगा ही। 250 का स्कोर तो बहुत ज्यादा एवरेज है यहाँ पर, यानी कि स्कोर 300-350 के बीच में रहेगा और उसे चेज करना भी पॉसिबल है और साथ ही साथ बड़ा स्कोर बनाना भी पॉसिबल है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के टॉस जीतने पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है हमारी टीम की प्लेइंग 11 पर। आप सभी सोच रहे होंगे कि पहला मुकाबला तो जीत गए, भला प्लेइंग 11 में छेड़छाड़ करने की जरूरत ही क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जरूरत है, क्योंकि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ दिग्गज वापस लौटेंगे। उनको मद्देनजर रखते हुए टीम में 1-2 ऐसे बदलाव होंगे जो शायद टीम को और बेहतर बना सकते हैं। वो क्या होंगे, चलिए नजर डालते हैं। दोस्तों सलामी जोड़ी की बात करें तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में कोई खोट नहीं नजर आ रहा। दोनों ने बहुत अच्छी 70-70 रन की पारी खेली, तो सलामी जोड़ी में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हमें एक चेंज देखने को मिलेगा। दोस्तों ईशान किशन इस बार कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए थे, और अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें सीरीज 100% जीतनी है ना, तो टीम में तिलक वर्मा को लाना कोई बुरा ख्याल होगा नहीं। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी के आंकड़े, उनकी परफॉर्मेंस और सॉलिड स्ट्रेटजीज उनको देखते ही बनती है। तो हमें मिडिल ऑर्डर में दोस्तों इस वक्त श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और तिलक वर्मा व सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा भरपूर खिलाड़ी हैं, यहाँ भी कोई जरूरत नहीं बदलाव की लगती। लेकिन हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, लेकिन शार्दुल ठाकुर की जगह हमें सिराज नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों सिराज ने क्या कुछ कांड एशिया कप के फाइनल में किया, बताने की जरूरत नहीं है। वो 6 विकेट 14 रन पर देकर और हमें फाइनल जिता दिया था। इससे कि एक बात तो कंफर्म है कि भारतीय क्रिकेट टीम में उन्हें खिलाना सबसे बेहतर फैसला होगा केएल राहुल का, अगर सीरीज 100% जीतनी है तो। दोस्तों यही है वो बदलाव जो हमें टीम में नजर आएंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या सिराज को और साथ ही साथ तिलक वर्मा को खिलाना चाहिए, नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्या ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हराकर भारत वर्ल्ड कप के लिए हो जाएगी पूरी तरह तैयार, या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के साथ करेगी सीरीज में पलटवार? जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच में जीत के बाद अब दूसरे मैच की तैयारी अंतिम रूप ले चुकी है। तो आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ दोनों टीम की प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, इन सब के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप से पहले 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच में मोहाली के मैदान पर भारतीय टीम को 5 विकेट से जीत मिली। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलिया को 276 रन पर ऑल आउट किया और इस लक्ष्य का 48.4 ओवर में 5 विकेट
विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके बाद भारतीय टीम अगला मैच खेलने के लिए तैयार है, जिसमें जीत के साथ भारतीय टीम सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। तो आइए जानते हैं इस मैच से संबंधित आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो अब तक दोनों के बीच 147 बार वनडे में आमना सामना हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने सिर्फ 55 बार जीत हासिल की है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 82 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा 10 मैच बेनतीजा साबित हुए हैं। तो वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारतीय सरजमी के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो दोनों टीम के बीच 57 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान 11 सीरीज रही है, जहां भारतीय टीम ने 23 मैच और 5 सीरीज जीती है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 25 मैच और 6 सीरीज अपने नाम करी है। इसके अलावा 9 मैच बेनतीजा साबित हुए हैं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज भारतीय सरजमी पर खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके रिकॉर्ड भी काफी शानदार है। इस स्टेडियम पर अभी तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 4 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबलों को अपने नाम किया है। तो वहीं इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 320 रन है। इतना ही नहीं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैदान पर एक मैच खेला गया है, जहां पर भारतीय टीम को एकमात्र जीत मिली है। तो वहीं इस मैदान पर भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 418 रन बनाया है और सबसे कम स्कोर साउथ अफ्रीका ने 295 रन ऑल आउट होकर बनाया है। दोस्तों, इंदौर की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल है तेज गेंदबाजों के लिए। मैच के शुरुआती ओवरों में कुछ मदद देखने को मिल सकती है। तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि शुरुआत में ग्राउंड की सतह से थोड़ा बहुत उछाल मिल सकती है। अगर सटीक गेंदबाजी हुई तो फास्ट बॉलर पावर प्ले में विकेट निकाल सकते हैं। ऐसे में यहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो आंकड़ों के अनुसार बल्लेबाजी लेना पसंद करेगा, लेकिन स्थिति के अनुसार गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है। तो वहीं इस मैच में मौसम की बात करें तो मैच वाले दिन 23 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला और मैदान के ऊपर बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसके चलते मैच में बूंदाबांदी के आसार हैं, जिस मैच पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की पारी की शुरुआत करेंगे, तो वहीं मध्य क्रम में स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशन, जोश इंग्लिश खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में मार्नस, स्टोइनिस, मैथ्यू शॉट और कैमरन ग्रीन को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर सीन अबॉट और कप्तान कमिंस को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ करते दिखाई देंगे। तो वहीं मध्य क्रम में श्रेयस अय्यर और विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तान केएल राहुल खेलते दिखाई देंगे। तो वहीं इनका साथ देने ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव उतरेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिलेगा। साथ में तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी को खेलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच 24 सितंबर को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ होगा। इस दौरान टॉस का समय 1 बजे का रहेगा। तो वहीं लाइव स्ट्रीमिंग 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आप स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं और साथ ही साथ जियो सिनेमा पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने से पहले ही कप्तान रोहित और राहुल के बीच हुए महासंग्राम ने पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर दोनों कप्तानों के बीच इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में किस बल्लेबाज ने किया सबसे धमाकेदार प्रदर्शन? विराट कोहली, ईशान किशन, सूर्य, रोहित शर्मा से लेकर कैसे इन सभी बल्लेबाजों ने अपने साथी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की? किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को जीत दिलाने में पाई है कामयाबी? रोहित और राहुल के बीच हुए इस इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित राहुल पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले वनडे में तो हमने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हरा दिया, जहां तीसरे वनडे में रोहित और कोहली की वापसी होने वाली है। तो वहीं दूसरे रोमांचक मुकाबले से पहले अपनी तैयारी को पुख्ता करने के इरादे से भारतीय खिलाड़ियों ने एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेलने का फैसला किया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तांडव मचाया कि अभी से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पसीने छूटने लगे। जी हां, आपको बता दें, एक टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी गई है, तो वहीं दूसरे की कमान थी कप्तान राहुल के कंधों पर। इसके साथ भारतीय खेमा 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। जब सिक्का उछला तब केएल राहुल ने टॉस जीता और राहुल की सेना को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। अपनी टीम के लिए रोहित के साथ ओपनिंग करने के लिए जबरदस्त फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल आते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लेते हुए रोहित शर्मा ने उनकी 3 गेंदों पर लगातार 3 खतरनाक चौके लगाकर अपना हिटमैन वाला अवतार राहुल एंड कंपनी
कंपनी को दिखा दिया। उन्होंने किसी भी गेंदबाज पर रहम करना जरूरी नहीं समझा। रोहित और गिल की आक्रामक बल्लेबाजी का नतीजा ये रहा कि पहले 10 ओवर के भीतर ही उनकी टीम ने 70 रनों का आंकड़ा छू लिया। यहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने और भी खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते 16 ओवरों के बाद ही टीम का स्कोर 119 रन के पार पहुंच गया, जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने केवल 48 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। वहीं दूसरी तरफ से गिल ने भी 40 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। दोस्तों, अब राहुल के लिए अब चिंता काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन एक बार फिर सर रविंद्र जडेजा अपनी टीम के लिए संकट मोचक साबित हुए। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जडेजा ने गिल का विकेट लेकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। दोस्तों, पहले विकेट के बाद अब मोर्चा संभालने आ चुके थे टीम इंडिया की बैकबोन विराट कोहली। उन्हें देखकर ही पूरा स्टेडियम उनके नारों से गुंजमान हो गया। उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म दिखाते हुए आते ही कोहराम मचाना शुरू किया। जी हां, इस बल्लेबाज ने रोहित के साथ मिलकर राहुल के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई और देखते ही देखते टीम का स्कोर 25 ओवरों के बाद 190 रनों के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा भी चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए 95 रनों तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए जरूरत थी एक बड़े छक्के की। उन्हें गेंदबाजी करने आते कुलदीप यादव उनका स्वागत करते हुए रोहित ने पहली गेंद पर आगे निकलकर मिडऑन के ऊपर से ऐसा खतरनाक शॉट जड़ा कि गेंद 108 मीटर तक दूर जाकर गिरी। इसी के साथ रोहित ने अपने तूफानी शतक को अंजाम दे दिया था। भारत के कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर तालियां बजाई। हालांकि उसके बाद रोहित शर्मा का विकेट कुलदीप ने चटका दिया। उसके बावजूद सूर्य और विराट ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से निर्धारित 50 ओवर में अपनी टीम का स्कोर 348 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसमें रोहित ने 91 गेंद पर 139 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद इस पारी को उन्होंने 9 चौके तो वहीं 6 तूफानी छक्कों से सजाया था, तो वहीं दूसरी पारी से विराट ने भी 87 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर राहुल की पलटन के लिए एक विशाल का लक्ष्य खड़ा कर सूर्या ने भी 49 रनों का योगदान दिया। दोस्तों, 349 रन के विशाल का लक्ष्य का पीछा करते हुए राहुल की तरफ से मोर्चा संभालने ईशान किशन के साथ खुद कप्तान केएल राहुल रनों की बरसात करने के इरादे से आते हैं। पहली पारी की ही तरह इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में उतरते ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज को अपना टारगेट बनाते हुए किशन ने अपने ही अंदाज में चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। सिराज के उस ओवर में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि लगातार 4 बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। उन्होंने 3 चौके और एक बेहद खतरनाक छक्का जड़ डाला। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने अपनी टीम को एक खतरनाक शुरुआत दिलाई थी। ईशान को खतरनाक बल्लेबाजी करता देख राहुल भी कहां पीछे रहने वाले थे। अश्विन की गेंद पर उन्होंने लगातार 2 छक्कों के साथ अपने तेवर भी दिखा दिए। उनकी टीम ने 10 ओवरों के बाद ही 90 रन बना लिए थे। रोहित के लिए चिंता काफी बढ़ चुकी थी, तभी कमबैक करते हुए सिराज ने किशन को पवेलियन की राह दिखा दी। उन्होंने जाने से पहले केवल 31 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 42 रनों की पारी खेली थी। अब सारा दारोमदार कैप्टन राहुल के साथ हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ गया था। दोस्तों, ये दोनों खूंखार खिलाड़ी बड़ी आसानी से अपनी टीम को जीत दिलाने का दम रखते थे। हालांकि लक्ष्य अभी काफी दूर था, पर राहुल का बल्ला बोल रहा था। उन्होंने शार्दुल की पहली गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर पूरा भारतीय खेमा दंग रह गया। राहुल के साथ मिलकर हार्दिक ने 22 ओवरों तक अपनी टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। टीम का स्कोर 150 रन था, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए अपने खतरनाक अंदाज में जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक को क्लीन बोल्ड कर दिया। पवेलियन लौटने से पहले उन्होंने 58 गेंदों में अपना ताबड़तोड़ T20 वाले अंदाज में 72 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 छक्के भी लगाए। अब कप्तान राहुल का साथ निभाने के लिए बैटिंग पर आते हैं श्रेयस अय्यर। दोस्तों, केएल राहुल अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। टीम इंडिया के 2 सबसे बड़े सितारे मैदान में थे, लेकिन लक्ष्य बहुत दूर था, जिसे हासिल कर पाना उनके लिए नामुमकिन बना दिया। रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह ने उन्होंने कप्तान रोहित के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से राहुल सहित अन्य 2 बल्लेबाजों को आउट कर अपनी टीम को 28 रनों से इस मुकाबले में जीत दिला दी। बुमराह ने कुल 4 विकेट लेकर अपनी खतरनाक फॉर्म सभी को दिखा दी थी। वहीं कप्तान केएल राहुल ने अपनी टीम के लिए सबसे अधिक 97 रन बनाए। जी हां दोस्तों, इस इंटर स्क्वाड मुकाबले में सभी भारतीय खिलाड़ी बेहद लग रहे थे खतरनाक। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा, राहुल, गिल या पांडे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।